हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम आपको बताएंगे पाकिस्तानी ड्रामा चुपके चुपके सीजन 2 के लिए एक्ट्रेस को सिलेक्ट कर लिया गया है, जिसमें आप लोग एक बार फिर से आयजा खान को मीनू के रोल में देखेंगे। इससे पहले आयजा खान ने मीनू के रोल के लिए इंडस्ट्री में एक खास पहचान बनाई है, लेकिन क्या आपको पता है आयजा खान को मीनू के रोल में कास्ट करने से पहले ड्रामा के प्रोड्यूसर ने 4 एक्ट्रेस को सिलेक्ट करके रिजेक्ट कर दिया था, जिसके बाद आयजा खान को चुपके चुपके सीजन 2 के लिए सिलेक्ट कर लिया गया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरे चैनल पे हर आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। तो आज हम बात करेंगे वो कौन सी 4 एक्ट्रेस थी जो सिलेक्ट होने से पहले ही रिजेक्ट हो गईं। तो लिस्ट में नंबर 1 पे आती हैं रमशा खान। रमशा खान को तो जब हम टीवी के ड्रामा चुपके चुपके सीजन 2 के लिए मेन रोल मीनू के लिए रमशा खान को अप्रोच किया, तो वो ऑडिशन देने के लिए गईं, लेकिन वो स्क्रीन टेस्ट में बार बार फेल हो रही थीं, और साथ ही इनका कपल उस्मान खालिद के साथ कुछ खास नहीं लग रहा था, इसीलिए इन्हें प्रोड्यूसर ने रिजेक्ट कर दिया। सेकंड नंबर पे हैं हीरा मानी। इन्हें भी प्रोड्यूसर ने मीनू के रोल के लिए अप्रोच किया, लेकिन एक्टर उस्मान खालिद के साथ इनका कपल फोटोशूट करवाया गया तो ये कैमरे में फिट नहीं हो पा रही थीं। इसी तरह स्क्रीन टेस्ट और डायलॉग में इन्हें काफी दिक्कत हो रही थी, इसीलिए ये भी रिजेक्ट हो गईं। तीसरे नंबर पे हैं अलीजे शाह। टीवी सीरियल की सबसे खूबसूरत और कम उम्र एक्ट्रेस अलीजे शाह, जिन्हें भी चुपके चुपके सीजन 2 के लिए प्रोड्यूसर ने अप्रोच किया। अलीजे शाह भी इस रोल को एक्सेप्ट करते हुए अच्छा खासा ऑडिशन भी दिया, लेकिन जब अलीजे की कॉस्ट्यूम और साथ ही इनका स्क्रीन टेस्ट हुआ तो ये अपनी एक्टिंग और डायलॉग में फेल हो गईं, जिससे डायरेक्टर को लगा ये मीनू के रोल के लिए एक्टिव नहीं है और उन्हें भी रिजेक्ट कर दिया गया। और अब इन सब के बाद बात आती है इकरा अजीज की। इस बात में तो कोई शक नहीं है कि इकरा अजीज मीनू के रोल के लिए बिल्कुल फिट थीं। इकरा अजीज का जब स्क्रीन टेस्ट हुआ तो उन्होंने अपने डायलॉग बाजी को पास कर लिया, और उस्मान खालिद के साथ एक फोटोशूट को भी इन्होंने पास कर लिया, लेकिन डायरेक्टर का ये कहना था कि इकरा अजीज मीनू के रोल के लिए बहुत महंगी हैं और इससे ज्यादा पैसा मांग रही थीं, जो कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे, जिसके कारण उन्हें भी रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। तो आप लोग का क्या ख्याल है, आयजा खान की जगह कौन सी एक्ट्रेस मीनू के रोल के लिए परफेक्ट थीं, या आयजा खान ही मीनू के रोल के लिए परफेक्ट हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।